तो नीतीश तिवारी की जो रामायण से जो फुटेज निकल के आई है देख सकते हैं आप क्लिप्स में, जहाँ पे जो है रणवीर कपूर श्री राम जी के भूमिका में दिख रहे हैं और साई पल्लवी को माता सीता जी का भूमिका में दिखाया जा रहा है। यश का तो कोई फुटेज लीक नहीं हुआ है, इससे पहले जो है अरुण गोविल जी का राजा दशरथ के रोल में और कई सारे जो सेट्स के फोटो लीक हुए थे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रणवीर कपूर जो है लुक तो अच्छा खासा दिख रहा है। लेकिन बात ये आ रही है कि लोग जब से रणवीर कपूर का वायरल हुआ बी फ्लावर वाला वीडियो सबसे पागल होकर पड़े, महाकालेश्वर मंदिर तक में घुसने नहीं दिया गया था उनको। हालांकि उनका जो ब्रह्मास्त्र तो गया गुजर जैसे मूवी था, लेकिन एनिमल के बाद बहुत लोग उनको पसंद करेंगे, एक्टिंग में तो दम है। लेकिन बात वही है कि फिर से बात आ जाती है रामायण पे, तो प्रभास जैसे दमदार एक्टर जो कि इतने सनातनी हैं, इतने जो है धार्मिक व्यक्ति हैं लगते तो हैं, तो ऐसे एक्टर के होते हुए भी जो आदिपुरुष पीट जाती है मनोज मुंतशिर और जो घटिया हमारे ओम राउत थे इनके चक्कर में। तो सोचिए कि रणबीर कपूर जो कि बी फ्लावर बोलते हैं अपने आप को, तो ऐसे एक्टर को जो है लिया गया है श्री रामचंद्र की भूमिका में, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहते हैं, जिन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, जिन्हें राज राजेश्वर कहते हैं, जिन्हें सत्यनिष्ठ कहते हैं, जिन्हें दशरथ पुत्र कहते हैं, इनके अनेकों अनेकों नाम है। सबसे बड़ा नाम उनका जो नाम होता है वो एक तरह से शाकाहारी मतलब मनुष्य के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, या फिर जो है ऋषि मुनि के रूप में वो जो है वन पे जाते हैं जहाँ पे आदिपुरुष वाले ने उनको जूता पहना दिया था, जबकि ऐसा नहीं होता। भगवान श्री रामचंद्र जी भूमि पे जब चलते हैं तो वन के लिए वो गए थे, तो संसार से वो त्याग के बैठे थे, तो मुनि के भेष में गए थे और ना ही उन्होंने खड़ा भी ढाला नहीं किया था। इस प्रकार से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का भूमिका के लिए त्याग तपस्या की आवश्यकता होती है। क्या वो ये बॉलीवुड वाले कर पाएंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे। देखिए देखने में तो जो है रणवीर कपूर का लुक अच्छा खासा लग रहा है, उन्होंने जो है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, जैसे कि आदिपुरुष वालों ने जो है उनको जो चमड़े का अटायर टाइप का पहना दिया था वो लिख रहे हैं, जैसे कि सेट फुटेज होते हैं, जैसे कि हमें टी वी सीरियल्स में देखने को मिलता है। लेकिन क्या है रामानंद सागर के रामायण को मैच कर पाएगी? देख कर ऐसे प्रतीत तो नहीं होता है कि जो है रामानंद सागर के जो लेवल का जो है ये जो है बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात रही साई पल्लवी की कास्टिंग के, साई पल्लवी को बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं भी बहुत पसंद करता था उनका फेयरनेस एड जो है ठुकराया गया था कई करोड़ का ऑफर को कि नेचुरल रहो, ठीक है नेचुरल रहो, लेकिन साई पल्लवी तब विवादों में आती है जब वो कश्मीर फाइल्स में जो है कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध बयान देती है। वो कहती है कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो नरसंहार क्या बोलती है कि जो है यहाँ पर जो है तेलंगाना था, यहाँ जो है आंध्र प्रदेश साइड में भी जो है एक जो है बीफ जो तस्करी कर रहा था, जो गौ मांस बेच रहा था एक मुसलमान, उसको तो मारा गया था, तो वो केवल एक मुसलमान को मारने की तुलना किससे करती है? हजारों हजारों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम से, नरसंहार से, मासकेयर से। तो सोचिए जेनोसाइड से वो उसे तुलना करती है, एक के माल वो भी जो है इलीगल काम करते हुए पकड़ा गया था। उसकी प्रकार से जो है साई पल्लवी भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और देखते हैं क्या कर सकते हैं बॉलीवुड वाले, नीतीश तिवारी कैसा पेश करते हैं और रामायण। और बाकी बात करते हैं रॉकिंग स्टार यश की, तो रॉकिंग स्टार यश की मॉन्स्टर जो कंपनी है ये, अर्थात ये जो एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के रूप में भी जो है 50% ये जुड़े हुए हैं इस मूवी से, रामायण से। तो पता नहीं रॉकिंग स्टार यश इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, पता नहीं उनको क्या इतना भरोसा है। बिगेस्ट हिट देने के बाद कहीं बिगेस्ट फ्लॉप की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं हमारे रॉकिंग स्टार यश, क्योंकि टॉक्सिक मूवी उनकी तो आने वाली है बाद में। लेकिन देखते हैं कि रामायण में वो रावण का रोल कैसे अदा करते हैं, वो उनका रोल तो अच्छा रहेगा पता है, क्योंकि उनका जो नेचुरल बियर्ड वाला लुक है, मूंछ वाला लुक है, वो तो जच जाएगा रावण में कहीं ना कहीं। सैफ अली खान से तो लाख गुना अच्छा ही रहने वाला है। अगर कहा जाए तो ये बॉलीवुड के द्वारा, नीतीश तिवारी के द्वारा, यश के द्वारा, रणबीर कपूर के द्वारा, इनके द्वारा जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, और अगर कहा जाए तो ये बिगेस्ट रिस्क प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि रिस्की बहुत ज़्यादा है। क्योंकि रामायण जो है भावनाओं से जुड़ी हुई, 600 करोड़ के बजट का आदिपुरुष भी आप जानते हैं किस तरह से कार्टून शो बना के रख दिया गया था, हनुमान जी को किस प्रकार से कैसे बताया गया था आपने सुना होगा देखा होगा, उस दुख से अभी तक जो है लोग उभर नहीं पाए हैं और इन लोग जो है ये रामायण बना रहे हैं। देखते हैं कि और कौन कौन सी भूमिका में किन किन किरदारों को कास्ट किया जाता है, क्योंकि देखिए रामायण जो है वो एक्टर से नहीं चलता, वो किसी के फेस से नहीं चलता, वो किसी के एक्टिंग से भी नहीं चलता, उसमें जो है प्योर भावना होनी चाहिए, डिवाइन भावना, जो भावना होती है आपकी वो जो है रामायण बनाती है। इसीलिए जो है हम रामलीला देखते हैं उसमें भी हम 100% अपना देते हैं और उसमें भी हम प्रसन्न हो जाते हैं श्री राम जी को अनुभव करके। लेकिन बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आदिपुरुष जैसा बनता है उसमें भी हम भगवान श्री राम को कहीं भी नहीं खोज पाते हैं, वहाँ पर हमें प्रभास जीसस दिखते हैं। तो सोचिए यही होता है, लोगों के भावनाओं के साथ यदि आप कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, और वो भी कोई सिटी ऑडियंस अर्बन एरिया के लोगों के पास नहीं, वो जो गांव में जो जुड़ी हुई भावना है, क्योंकि 70 करोड़ जो लोग हैं, अधिक लोग हैं, वो तो गांव में निवास करते हैं ना, भारतीय मूलता जो वो है गाँव निवासी, गाँव के वासी ही हैं, तो उनके भावनाओं से यदि आप जुड़ पाएंगे तभी आप जो एपिक एक मूवी बना पाएंगे, वरना तो फिर आप देख ही रहे कि कई सारी रामायण आई, कई सारी रामायण गई, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। अब देखिए सेट के फुटेज तो लीक हो चुके हैं, पता नहीं कौन लीक कर रहा है और ये मूवी कैसे बनाएंगे लोग जाने। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, कि आप रणबीर कपूर को श्रीराम की भूमिका में देखना चाहते थे, क्या आप साई पल्लवी से संतुष्ट हैं कि वो सीता माता बनी है, क्या आप रॉकिंग स्टार यश को रावण के लुक में देखना चाहेंगे, क्या आप इस मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं, बताइएगा कमेंट्स के जरूर। जय श्री राम, हर हर महादेव।